अंदाजा होता कि हमारे इर्द गिर्द कितनी रहमत के फरिश्ते जमा होते और इस रूह को यहाँ से लेके अर्श तक एक जंजीर की सूरत में, जो फर्श अज़ा है ना, वहाँ से जंजीर की सूरत में अर्श तक पहुँचता है और वहाँ पर फरिश्ते बैठकर हमारे दुरूद और सलाम को सुनते हैं और हम ऐसे दुरूद पढ़ते हैं जैसे हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर हमें सुनने के लिए बहुत से लोग बैठे होंगे, वहाँ पर बहुत से फरिश्ते बैठे होंगे, तो हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरह हम दुरूद की अदायगी करेंगे। ये दुरूद का सिलसिला सिर्फ यहीं तक मुकम्मल नहीं होता, ये दुरूद का सिलसिला जंजीर पर जंजीर, जैसे एक बकल होते हैं ना साथ साथ जुड़े होते हैं, ऐसे फरिश्ते ही साथ साथ जुड़े होते हैं और वो दुरूद को अर्श तक पहुँचाते हैं और अर्श पर जो फरिश्ते होते हैं वो सब पूछ रहे होते हैं ये कहाँ पे, ये इतनी नौरानी नूर कहाँ से आ रहा है, ये इतनी नौरानी महफिल कहाँ पे है। फिर उनको बताया जाता है ये सब लोग के मौला इमाम हुसैन के अज़ादार ये फर्श अज़ा पे बैठे हैं और ये फर्श अज़ा कोई आम और मामूली नहीं है, इस फर्श अज़ा के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई। आपको जब सबसे पहले यहाँ पे पेश किया गया ना, वहाँ बताया गया कि आप फर्श अज़ा पे नहीं बैठे हैं, आप करबला में बैठे। और अगर हम करबला में चले जाते हैं तो क्या हम ऐसे होते हैं, क्या हमारे दिल ऐसे होते हैं कि हम लोग कौन सा बस इधर उधर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कहाँ आगे बैठे हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम जब यहाँ पे आ गए हैं और हम अपने दिल को फर्श अज़ा बना लिया है तो फिर हमें इस तरह बैठना है कि हमारे वक्त के इमाम अगर हमारे उनकी नज़र हमारे पर आती है तो उनको मालूम हो कि हम उनको चाहने वाले हैं, हम उनको याद कर रहे हैं। कैसे होना है हम लोगों को जो नासरीन इमाम है, हम जो हमारा जो सटे स्कूल है नासरीन इमाम का, यहाँ पे जो नासिर है वो कैसा नासिर है कि हम लोग अगर मजलिस पे जा रहे हैं तो मजलिस में अगर सब बच्चे बैठते हैं ऐसे बैठते हैं कि हाथ में अपने सामान लेके जा रहे हैं तो बच्चे ऐसे जाते हैं मजलिस चीजें लेके जा रहे हैं। कोशिश करें बादब बैठे, कोशिश करें अपने आप को एक एक आपका चलने का अंदाज, अज़ादार के चलने का अंदाज, अज़ादार के बैठने का अंदाज ऐसा हो कि दूसरा आप पर मतवज्जे हो कि ये कितने अच्छे बच्चे हैं, ये कितनी मुनज़्ज़म कौम है, इनके चलने का अंदाज, ये जलूस में ये हर जगह पे कितने मुनज़्ज़म है। हमें ऐसा नहीं होना है कि हमें देखकर लोग कहें कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, कोई इधर को जा रहा है कोई उधर को जा रहा है। हमें ऐसा बनना है कि हमें देखकर लोग हमसे सबक हासिल करें कि ये उस हुसैन के अज़ादार हैं जिसने करबला को सजाया, ये उस हुसैन के अज़ादार हैं जिसने दीन हक को, दीन इस्लाम को जौन साया वो पर उसके चिराग रोशन कर दिया। मौला इमाम हुसैन की कुर्बानी कोई ऐसी तो नहीं थी, कोई छोटी सी कुर्बानी तो नहीं थी कि हम ये समझ लें कि बस मौला इमाम हुसैन करबला में गए और वहाँ पर उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की और घर वापस आ गए, उनके जो बाकी अहले औयाल थे घर वापस आ गए। नहीं, करबला का क़याम कौन सा है वो सिर्फ एक दिन से नहीं था, बहुत पहले से करबला की तैयारी हो रही थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौला रसूल खुदा ने अपनी गोद में लिया, जब उनकी विलादत हुई तो रसूल खुदा ने अपनी गोद में लिया तो तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बताया कि ये आपका ये बच्चा कौन सा है, ये दीन हक के लिए अपने कुंबे को कुर्बान कर देगा। और आप हम लोग बस इस कुर्बानी को एक मामूली कुर्बानी नहीं, हम लोग क्यों आज़ादार हैं, क्यों हम अहले तशी हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस कुर्बानी को पहचानना है कि दीन इस्लाम हमारे पास सिर्फ इसलिए बस एक दफ़ा या अली मदद देने से और इस तरह ये दीन इस्लाम हमारे पास नहीं पहुँच गया, ये फर्श अज़ा बचाना आसान ना था। बहुत से लोग आज से बहुत साल पहले जब वो मजालिस बर्पा करते थे तो छुप छुप के मजालिस को बर्पा करते थे, उनके लिए मजालिस बर्पा करना इतना आसान ना था। और आज भी बहुत सी जगहों पर जौन सा है वो हम लोग मजलिस ऐसे नहीं, मजलिस में काले कपड़े पहने और वो पहुंच के, ऐसा मुमकिन नहीं है, उनको कलर्स कपड़े पहन के जाते हैं और हमारे लिए मजलिस करवाना
कुर्बानी से नहीं है, ये सिर्फ आज की कुर्बानी से नहीं है कि बस यहाँ पर जौन से हम लोग बैठे और मजलिस पर पाओ, इसके लिए बकायदा इहतमाम होता है, इसके लिए बकायदा अर्श पर नाम लिखे जाते हैं। इसलिए अपने जहनों को बेकार, जब भी मजलिस में जाएं अपने जहनों को बेकार करके जाएं, सोचें कि हम यहाँ पे मजलिस में आए हैं, हमने क्या पाया, हमने क्या सीखा, हमने अपने अमल में क्या बेहतरी लेके आनी है। हमारा आज मजलिस में, हमने आज मजलिस में जो सुना आया हम उस पर अमल कर रहे हैं, हम आज सिर्फ मजलिस में जाते हैं और बैठते हैं और घर आ जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीबी फातिमा तो सारा हमारे इस अमल से ना खुश ना हो जाएंगे, ये मेरे अजूबा साथ हैं और होते हैं। हमने क्या मार्फत हासिल की, हमें कितना बड़ा मार्फत बनना है और मौला के जहूर के लिए कितना ज्यादा अपने आप को जो उनसे हमने बेदार कर लिया, क्योंकि इमाम जमाना का जहूर ऐसे नहीं होगा कि हम लोग बस सोए रहेंगे और इमाम का जहूर हो जाएगा। अब खुदा चाहता है कि हम बेदार हो, हमारे अंदर ईमान की फतह और नुसरत का दिया जले। खुदा ने हर दौर में अंबिया भेजे हैं, हर दौर में अंबिया आए हैं, और खुदा अभी भेज सकते हैं, इमाम जमाना को भेज सकते हैं ना, खुदा के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे इमाम जो हर जुम्मे के रोज अपनी अबा कबा से तैयार होते हैं, अपने जुल्फिकार को थामते हैं, अपने रहवार पर बैठते हैं और वो इंतजार करते हैं कब मेरे मोमिन, कब मेरे शिया मुझे याद करेंगे। क्यों नहीं हमारी तरफ अपने इमाम के, क्यों नहीं हमने सोचा कि मेरे वक्त के इमाम क्यों नहीं याद। मुझे अहद करना है, मुझे अपने इमाम के साथ अहद करना है और सोचना है कि मेरा आया कोई मेरा ऐसा अमल तो नहीं है कि मेरे वक्त के इमाम मेरी वजह से ना आ रहे हो। या खुदा बा खुदा मेरे एक एक अमल को बामार्फत कर कि मेरा कोई भी अमल जोन सा है वो मौला की नुसरत के लिए, मौला की जबूर में ताजी के काम आ सके। मेरा कोई भी ऐसा अमल गलत ना हो, मेरा चलने का अंदाज, मेरा किसी को दिल दुखाने का अंदाज, मेरे बात करने का अंदाज, मेरे आंखों से इशारे करने के अंदाज, आया मेरे इमाम ना खुश तो नहीं है। जब मेरा नामा अमाल मेरे इमाम के पास पहुंचता है तो क्या मेरे इमाम मेरे नामा अमाल को देख कर उनके आंसू तो नहीं रोते हैं। क्या मैं इतनी नमाज की पाबंद हूँ कि मेरे वक्त के इमाम जो मेरे नामा अमाल को देखे तो वो मुझे याद करें, वो कहें मेरे ऐसे भी शिया हैं जो मेरे लिए मेरे आने के जहूर की दुआ के साथ साथ बामल तैयारियां कर रहे हैं। हमें अपने अमल में, अपने किरदार में ऐसी तब्दीली लानी है कि हमें देखकर दूसरे लोग जो से हैं वो अहले तशय्यो की तरफ मुतवज्जे, ये ना हो हमें देखकर ये सोचे कि ये कैसा शिया है जो बाकिरदार नहीं, ये कैसा शिया है जिसको ऐसे नहीं पता कि मैंने किस तरीके से मजलिस में शामिल होना है। जब भी अपने घरों से निकले वजू करके निकले, सोचें कि मैं करबला जा रहा हूँ, ये मत सोचे मैं मजलिस पे जा रहा हूँ, ये मेरी खाला के घर मजलिस है, ये मेरी नानों के घर मजलिस है, ये मेरी वो घर फर्श आजाद कौन सा है वो करबला है। मुझे मैं घर से निकल रही हूँ करबला के लिए निकल रही हूँ और मेरी तैयारी करबला के जैसी ही होनी चाहिए। जब मैं ये घर से सोच कर निकलूंगी और मेरे जाने का अंदाज क्या होगा, जब मैं नियत कर लूंगी कि मैं करबला जा रही हूँ तो मेरे जाने का अंदाज क्या होगा, और अगर मैं ये सोच के निकलूंगी मेरी नानों के घर मजलिस है, मेरी माओ की घर मजलिस है, आज तो मैं उनके घर मजलिस पे जा रही हूँ, तो इसमें और इस अंदाज में क्या फर्क है। जब मैं ये नियत कर लूंगी कि मैं करबला जा रही हूँ तो बीबी फातिमा तो जहरा मेरे हर अमल में मुझे मेरे किरदार में मेरी मदद करें, मेरी सोच को वही तब्दील करें, वही मेरे अहद की पासदारी करें जो मैं अपने वक्त के इमाम के साथ हर रोज दुआए अहद पढ़ते हैं, और अगर रोज नहीं पढ़ते तो हफ्ते में एक दफा पढ़ते हैं, तब भी जो मैं अपना अहद अपने वक्त के इमाम के साथ करती हूँ, क्या उस अहद में मैं अपने आप को इस काबिल समझती हूँ कि मैं इस अहद पे पूरा उतर रही हूँ। क्या मेरा
कोशिश थी कि आप लोग सोचें कि हम लोगों को वक्त के इमाम के ज़ुहूर में जब हमारी तरफ से कोई छोटा सा अमल भी हमें कई दफ़ा अपने अमल ज़्यादा बड़े नहीं लगते हैं। हम सोचते हैं आया मेरे यहाँ से ये रोड से ये चीज़ उठा के उधर रखने से मेरे वक्त के इमाम को क्या हासिल होगा। नहीं, मेरे छोटे छोटे अमाल ही, मेरी छोटी छोटी नीयतें ही और मेरे छोटे छोटे काम ही मेरे वक्त के इमाम के ज़ुहूर में ताजी करते हैं। हम लोग चाहते हैं हम करबला में होते हैं। हम कई दफ़ा मजालिस में से आते हैं ना तो सोचते हैं अच्छा हम तो करबला में नहीं थे ना, क्या कर सकते हैं हम, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि करबला में होता तो कुछ कर सकता। नहीं, नमाज भी करबला में ही, हम इस दौर की करबला में जी रहे हैं। हमें आज भी इंसानों की मदद के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार कर लो। इस वक्त मुल्क का बदतरीन दौर सैलाब का दौर जा रहा है। वो लोग बेचारे जो रात को सो गए और उनको पता नहीं था कि आया हम सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। हम कितने अच्छे, हमारे परवरदिगार ने हमें कितनी ज्यादा नेमतों से नवाजा है, हमने कभी उसका शुक्र ही अदा नहीं किया। एक छत के नीचे सोते हैं, सुकून से सो रहे होते हैं, सुबह उठते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से हम सुबह उठ गए। कई लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं, आपने सलासतान तो देखे, कई लोग ऐसे होते हैं रात को सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते, उनके घर खत्म हो गए। कभी उनकी मुसीबत को सोचें और ये सोचें कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उन्होंने अपना सब कुछ जो उनसे वो खत्म हो गया, बिल्कुल उनके घर बार माल मवेशी उनकी फसलें सब कुछ खत्म हो गया और वो सिर्फ ऐसे खड़े होके देखते हैं। जैसे मौला इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में खड़े होकर उन्होंने सब तरफ, जब वो अपने रहवार पर सवार होने लगे तो उन्होंने सब तरफ नजर दौड़ाई, उन्होंने कहा है मेरे शेर वो तुम लोग कहाँ हो, कहाँ हो अब्बास, कहाँ हो अकबर। जब उन्होंने सब तरफ नजर दौड़ाई तो सब शहीद हो चुके थे और उन्होंने जब अपने रहवार पर सवार होने लगे और रहवार से कहा चलो तो रहवार नहीं चल रहा था, उनके जुलजना ने कहा मैं नहीं चल सकता। मौला ने सारे इमामत से उससे पूछा क्या बात है, उसने रहवार ने इशारा किया मेरे पाँव में एक बच्ची है। मौला जब उतरे तो वो उन्होंने देखा कि एक मासूम, उनकी छोटी मासूम से जीना रहवार के कदमों के साथ लिपट कर रो रही है और कह रही है रहवार सुबह से तुम जिसको भी लेके गए हो उसको वापस नहीं लेकर आए और वो वापस नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ अपने बाबा को कैसे भेज। पता है बेटियों को अपने बाबा से कितना ज्यादा प्यार होता है, एक लम्हे के लिए अपने बाबा को अकेला नहीं छोड़ती, एक दफा भी नहीं अपने बाबा के बगैर, बीबी सकीना अपने बाबा के सीने के बगैर सोती भी नहीं। उनके लिए कितना मुश्किल था अपने बाबा को जब मैं जाने जाने में भेजी, कितना ज्यादा उनके लिए उनके दिल पे कर्व था कि सुबह से जो भी जाता है वो वापस नहीं आता और अगर मेरे बाबा चले गए तो वो भी वापस नहीं आएंगे, मैं क्या करूंगी अपने बाबा के बगैर। मौला इमाम हुसैन ने बीबी सकीना से कहा है सकीना अब अपनी फूफी जान के पास रहना सीख लो, अपनी फूफी जान के पास रहकर उनकी बात सुनो, जिस तरह तुम्हें तुम्हारी वालदा बीबी मुबारक कहेंगी उस तरह अपने आप को उसी तरीके से अपनी अब जिंदगी के आयाम का सफर करो। मौला इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ऐ सकीना, तो मौला इमाम हुसैन ने बीबी सकीना को अपनी नमाज शब के दुआओं में मांगा था, कितना प्यार था मौला इमाम हुसैन को अपनी बेटी से, वो अपनी बेटी के बगैर एक लम्हा नहीं रहते, लेकिन मैदान जंग उनको बुला रहा है। लेकिन जब बीबी सकीना शाम के जिंदान में पहुंची है तो उन्होंने, बीबी सकीना ने इतना ज्यादा कर्ज था, हर वक्त रोती थी और अपने बाबा को याद करती थी और कहती थी कि कहाँ है मेरे बाबा, और जो जालिम थे उन्होंने बीबी सकीना को शाम के जिंदान अंधेरे में कैद कर दिया था। उनको इतना गुस्सा आता था जब बीबी सकीना रोती थी, इतना ज्यादा गुस्सा आता था
कि क्यों ये मासूम सी बच्ची हर वक्त रोती रहती है। और बीबी सगीना जो उनसे है वो उनका सर कभी एक दीवार से लगता था और कभी दूसरी दीवार से लगता था, और वो कहती थी भैया सज्जा मुझे बताएं प्यास की कौन सा ऐसा मुकाम है। प्यास के तीन मुकाम है मुर्बी को मौला सज्जाद ने फरमाया प्यास के तीन मुकाम है। बीबी सगीना ने कहा मुझे आखिरी मुकाम बताएं कि जब प्यास हद से ज़्यादा लगती है। तो मौला सज्जाद ने उनको बताया कि जो प्यास है जब इंसान हद से गुजर जाता है तो उसका जो गोश्त है वो हड्डियों से जुदा हो जाता है। बीबी सगीना ने बताया अपने बाजू को बुलंद करके दिखाया और कहा ये देखो भैया सज्जाद मेरे गोश्त ने मेरी हड्डियों का साथ छोड़ दिया है। मेरी हड्डियाँ जो उनसे हैं वो गर्मी से और साथ में पानी ना पीने से वो गोश्त और हड्डियाँ अलहदा हो गई। और बीबी सगीना के आंसू हर वक्त निकल वो हर वक्त रोती रहती थी सिर्फ अपने बाबा की याद और उनकी मोहब्बत में तड़पती रहती। और फिर मौला सज्जाद ने बीबी सगीना को कहा कि आओ सगीना तुम मेरे पास बैठ जाओ और मेरे सीने पे सर रख के सो जाओ। बीबी सगीना ने कहा भैया सज्जाद आपका सीना तो इतना ज्यादा गर्म है कि मैं यहाँ पे हाथ भी नहीं रख पाई। और उस कैदो पाबंद सलासल ने बीबी सगीना ने जब बहुत ज्यादा गिरिया किया तो जालिमों ने उनके बाबा का सर भेज दिया। जब उनके बाबा का सर आया तो कहा बीबी जैनब ने कहा ए सकीना लो तुम्हारे बाबा आ गए। बीबी सकीना के सामने जब उनके बाबा का सर तश्त में लाया गया तो उन्होंने उस सर पे अपना सर रखा और कहा बाबा आपके बगैर दुनिया ने मुझे एक तमाचे मारे, आपके बगैर आप जब चले गए तो शिविर ने मेरी बालियां खींच ली, बाबा आपके बगैर इन्होंने मेरी चादर खींच ली। और बीबी सकीना को अपनी चादर छिन जाने का इतना गम था कि वो हर वक्त कहती थी कि मैं कैसे अपनी चादर के बगैर रहूं। और वो मौला इमाम हुसैन के सर पर सर रखकर रोने लगी।